रुको, एक मिनट, एक काम करो, चार पीछे से जाओ और बाकी सब मेरे साथ ऊपर आओ। लौले पाशा भाई, सुबह सुबह एकदम आप इधर। बाबा और चिन्ना किधर है? बाबा और चिन्ना गली में से जा रहे थे साहब, मीठे सौदे की दुकान को। आप कहाँ चले गए कि समझ में नहीं आ रहा। ए गफूर, ज्यादा होशियारी ना कर तू, देख नया सकल बहुत खतरनाक है। सीधा सीधा बता दे वरना बहुत पछताएंगे तुम लोग। करेंगे बलि के बकरे अपनी बने ऐसा दिख रहा है, इसको चट्टा देखे। पाशा भाई, मैं दोनों को पकड़ के ले लेके आता हूँ, यही चुंगे बाजू गली में होंगे। दो मिनट में ला रहे साहब, चल। अरे ये तुम लोग कहाँ जा रहे? तुम लोगों को भी चलना है पुलिस स्टेशन। ये भागने की कोशिश। भाग ले शुक्र, भाग जा, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सरदार मुझे निकल से आ जा। निकल 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 आ जा, आ जा। अरे गफूर, अरे मर जाते रे तुम लोग, मेरी बात तो सुनो। खतरनाक गड़बड़ दिख रही मेरे को ये। भाग शुक्र, अपनी जान बचा लेके भाग। अरे आज नहीं बच सकते रे तुम लोग, आ तुम्हारी फील्डिंग हो गई रे। कर आया रे, तूने अपनी चिट्ठी उठाई जैसा दिख रहा। भाग ले शुक्र, भाग। रुक जाओ, भागना बेकार है वरना तुम्हारा भी इनकाउंटर कर दूंगा, जिस तरह तुम्हारे सरदार का मैंने इनकाउंटर किया है। क्या? सरदार का इनकाउंटर हो गया? हाँ, मारो सालंगो, ले चला पुलिस स्टेशन, मारो सालंगो, ले चला, चला सालंगो, आज छोड़ूंगा नहीं आज। रे गफूर, तेरी का चुरन, इस गेम का पुराना खिलाड़ी हूँ रे मैं। बाबा भाई, पुलिस के बात नको करो, नहीं तो ब्रिंजाल से मिला दे तो इधर ही। मेरे को मालूम तुम बहुत पुराने चावल है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। अरे हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अरे हम भी कुछ कम नहीं। अरे गफूर में मैदान में आ जाओ, देख लेंगे। हाँ? बात नको करो। अरे साले शुक्र, तू मेरा भाइयों के बाबा भाई की साइड ले रहा रे, बचपन के मारो भूल गया क्या रे? ये तो वही बात हो गई, खारा यारों का गारा का। अरे जाओ जी जाओ, गल्ले में पैसे जमा करके रखता था मैं, तुम लिया के मैं नमाज के लिए जमा करके रखा तो तुम चॉपिंग कर लिए। बैगन के बात कर रहे, तुम भाई है जी, और मैं ऐनक ला के रखा तो वो भी पहन लिए। क्या भाई का साथी हूँ मैं? मोटल तुम तुरकू जान दे रहे कपूर, आजकल का ब्लड व्हाइट हो गए, अपना भी पराया हो गए। अरे इसका नाम क्या है? इसका नाम चिन्ना है भाई। चिन्ना? तेरे हार के हिसाब से तेरे अम्मा बाबा तेरा नाम पेद्दा रखना था। अरे सीढ़ी बजा, आज गेम एक दरखास्त सब बरखास्त। कम ऑन यू बॉल्स ऑफ बैगन, चलो बॉयज, लेट्स शो देम द पावर ऑफ बैगन। चलो हो जाए, जा मेरा नाम खराब ना कर, भाग। अरे यही दम तोड़ दे रहे, कह रहे भाग। कबड्डी भाई, ये झाड़ू को काई को पे आ गया। 10 12 कबड्डी आ रहा, एक को देख के 10 12 कबड्डी आ रहा, एक को देख के 10 12 कबड्डी, एक को देख के 10 12। टांगा पकड़ो इसके, कबड्डी हो गया। कबड्डी आ रहा, पकड़ लेता हूं। भरा डाल कबड्डी, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। चलो मुर्शिद आउट, इज्जत हमारी, अब चलो साइड में जाओ उधर। अब देखो रे कौन आ रहा, जाओ शान भाई तुम। कबड्डी 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 कबड्डी। आउट, चलो शान भाई चलो, आउट आउट। शिट, ची छाई, शिट भाई, पानी सर से ऊपर चढ़ जा रहा। जा जितने बचे पूरे को डाल ले। अरे खींच ले खींच ले खींच ले, सीखे को। अब आ रहे हैं टीम के कप्तान बाबा भाई। कबड्डी
मैं तो आगे बता रहा हूं। अरे चल जा रे। ए बाबा तेरा तो माई बता दे रे। ए ऑटो रे ऑटो। जरा ऑटो रे तुमका पीछे ऑटो। तीन दिस कोस्ता गफुरा ना नेन दिस कोस्ता। इनकी दिस कोस्ता। अरे जा बे चोटी। ये दे दो ये बड़े दो करनाम पटेल कर रे दो ये दे दो ये अरे गुड्डे साले छोटा इंसान साले आओ चलो बाबा चलो भूत हो गया चलो साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों यलगार अरे ये क्या कर रहा है इन्हें अरे मुर्दा ना को मारो इधर अरे वहाँ क्या कर रहे हैं मैं लाइन के ऊपर अंदर आते तुम्हारे घर को बता दूं तेरा अरे ताजमहल को बुला रहे आता हूं जा अभी बता दो चाय के पैसे माफ चाय के पैसे माफ चाय के पैसे माफ चाय के पैसे माफ साले मोटे मुरमुरे के थैले मोटे गेंडे चाय के पैसे माफ अरे आ जा तू माफ कर दे मेरा चाय के पैसे माफ अंदर मारो चाय के पैसे माफ बोल रहा हूं जल्दी मोटे हट चाय के पैसे माफ अरे जान दे रे चाय के पैसे माफ बोल रहा हूं जल्दी ए आंदो ए अंदर ए ए ए हेलो तुम हाँ चलो चलो खत्म आउट गफूर गैंग की टीम में एक ही प्लेयर बचा है वो है चिन्ना कबड्डी और जंग में सब जायज है अब बता तो साले अरे भारत माता की जय कबड्डी 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 अरे उधर देख गलत कर रहे तुम बाबा भाई क्या बोला था रे भाई एक दरखास्त सब बर्खास्त है तुम बहुत चीट किया जी हमारे आंखों में बम लगा के तुम मैच जीतता जी वो चमनों में गिरगुटा रहते देखो दीवालों पे बैठे हुए वो खसलत नहीं छोड़े तुम बता दिए इनो कलर अपना वो कहावत नहीं सुना एवरीथिंग इज फेयर इन जंग एंड वार अब समझा ना बाबा भाई आई विल शो यू नेक्स्ट मैच हाउ टू चकलास लगाइंग कम ऑन गाइस अरे जा रे चल जागीरगुट अरे चल जा रे हार गया अरे चल भाई भाई अरे फुलके पैसे दे हेलो बाबा भाई अम्मा अच्छा संभाल के रखा एक मिनट ठहर बेटा पहले गिनने दे ये लो 100 रुपए 300 बोल के लाए थे ना बैगन की मेरी का चुरन खामोश जाओ बहुत है तुम्हारे हिसाब से 100 रुपए भी चलो आइंदा से नहीं आऊंगा बैगन की मेरी एक बोल के बुलाते एक देते आइंदा ब्लैक कलर कराओ बालों को क्या मालूम यही बालों पे पड़ते अपने 100 तो अपने को आ गए बहुत बड़ी क्या है हमेशा कम देते तुम अरे तेरी हाइट के हिसाब से ज्यादा है उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा रहा चल निकल चल बिरयानी खाएंगे चल ठीक नको इले मियां इले रेगिन गांधी जी 100 गांधी जी 200 गांधी जी 300 भाई अपन दोनों को मिला के 11 प्लेयर है मगर ये 12वां कौन है 12वां खिलाड़ी तो मैं हूँ यानी नवाब शाह साहब इतने तिंगलों से कमाए भी तो तुम यहाँ भी आके मार दी हमारी अरे वो गिड्डे 4 महीने से तो किराया नहीं दे रहा कब तक बचते रहेगा का चूरन एक 100-200 रुपए खर्चे को तो दियो बैगन देता कब तक लोगों को चूरन लगाता रही मेहनत कर मेहनत से कमा
ये रख ऐश कर आज रात में। आ? भागते चोर की लंगोटी सही। भाई मेरे को पैसे ठीक है, तेरी वजह से हुआ ये सब। आइंदा अगर दिखेंगा ना खत्म कर दूंगा तेरे को। 200 रुपए मेरे को बस नहीं होते इसको दे। కాలమ్మా 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 కోనే రే చిన్న క్యా రే చిన్న తోడా పానీ దోనా పానీ హోనా అచ్చా అచ్చా కాలమ్మా ఇంకా కొంచెం నీళ్ళు ఠైర్ లేకి ఆతి ఎలే कालामा अब क्या है थोड़ा और नील थोड़ा और कितना पानी पीता रे पेट है मशा है तेरा इतना पानी पिया तो गंडी पेट भी सूख जाता एवं ठहर लेके आती हूँ अब ये ले कितना पानी पीते कि जी भर के पियो अब और तंग ना को कर आप नहीं समझ रहे खाला क्या नहीं समझ रहे सरदार भाई रहते तो समझ जाते थे खाला अब ये घड़ा भी खाली कर दिया तो घड़ी घड़ी पानी नहीं देती मई जाके वो बाड़े के नल से भर लेना काला हम पीने बड़े तो घड़ी पेट क्या चीज है किशन सागर भी खाली हो जाता मेरा मतलब हुसैन सागर भी खाली हो जाता ना दोनों को बोटे खाला टंगड़ूंग हम बुरा नहीं माने तो एक बात बोलना चाह रहा था टंगड़ूंग हम वो काम पे गए सो है टंगड़ूंग ऑर्केस्ट्रा बंद करो काम की बात पे आओ एक प्याज दो हरी मिर्चियां तो जवारी के रोटियां दिए तो गरीबा खा लेते बेसन घर में है अच्छा काई को बेटे रोटियां बना लेना नहीं आता भले चब तो काला मरद को बोटी बनाने आते मगर रोटी बनाने नहीं आते अगर किस्मत खराब रही तो धोखे से हार भी सकते सलाम खाला वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। आज हम कबड्डी का मैच जीत गए सही और इसी खुशी में आपके वास्ते और सरदार भाई के वास्ते नारी और पाए लाओ खाला इसमें से हड्डियां और गोश हमारे सरदार भाई को रख दो शेर में रोटियां चूर के आप खा लो कई को बोल तो आपको दाता नहीं है ना खाला माजी मेरे चुबड़ता क्या करता अरे शुकुर इस तावीज की करामात बता बोल तेरे बाजू में जो खड़ा है उसके हाथ में क्या है लाल डेरी है देखा आपने क्या बात है वाह वाह क्या बात है हेलो क्या बात है जो है मेवा वो शादी करके हो जाए मेवा मेवा बाबा इस वक्त मैं एक बच्चा यहाँ पर खड़ेवा है खड़ेवा मैं उसको बुलाना चाहूँगा आ जाओ बच्चे बच्चे इधर आ ये देखो इसको इरखान है है ये तावीज बनकर अपने अम्मी जान को बता दो बेटा तुम्हारा इरखान कम हो जाएगा ये तावीज को रात में सहलाकर सुबह में पी लेना बेटे गल्ले में 20 रुपए डालो गल्ले पे काफी असर है बच्चा इधर आ हाथ ला ये तावीज पकड़ ऐनक उतार बता बाबा नजर आ रहे हैं तालियां देखा देखा आपने तावीज का कमाल देख लिए तुमने देखा तावीज का कमाल इसको आंखें आ गई अब ऐनक की कोई जरूरत नहीं है बच्चा गल्ले में पैसे डाल बेटे तू बहुत परेशान नजर आ रहा है बेटे जुम्मे को जिलबी दरगाह में बांट दे बेटे समझा बच्चा बाबा इसको फूंक दो आलिया अरे सब तावीजा दे रहे अब आया उन पहाड़ के नीचे खैर बेटा अरे गफूर धंधा करने दे रे धंधा बच्चा जमूरा
और तुम बाबा बच्चा जामुरा आंख बंद कर आप बोल हमारा साथ कौन सा जानवर आए? घोड़ा। अब गधा। अब अरे मुर्गी है क्या? पूरा जू पार्क को इधर ले लेके आए क्या? जू? ये इंसान है और तू ये हैवान के साथ क्या कामा करा रहे? तुम इसको बिगाड़ दे रहे चिचा। अरे, अरे बेटा तेरे को कारखाने को जाओ बोले तो ये गुना खिला रहा तू? बाबा आख कर देते मालूम हुआ तो। कबड्डी 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 याद है चिन्ना? तू माल लपटो, मैं ये दोनों को लपटता हूँ। अब आए लोग रंपस में, आज तो ये लोग का बदला निकाल के छाऊंगा। हमको धोखा देते कबड्डी का बदला? गाँव वालों ये लोग आप लोगों को चुतिया बना रहे। ये फालतू तावीज इसमें कुछ भी नहीं है, मारो। बड़ा भाई ओके छोटे ने भी जूते गिरा दिया। याद रहना इसे कहते हैं शेर पे सवा शेर। तुम लोग अपने आप को बड़े शेरा समझते, अजी असली सवा शेर तो वो शाह साहब निकले। सब ये शुक्र की तरफ से हुआ, छोटा भाई पैसे छिनवाता, बड़ा भाई जूते खिलाता। बाप भाई वो तो कबड्डी का बदला था, नहीं बोल तो ही मेरा छोटा तुम्हारी सोबत में बहुत खराब हो जा रहा। ओहो वो छोटा है तेरा? है छोटा थाली बन के फिरता, उंगली दिए तो निप्पल समझ के चूसता। निप्पल चूसता? वो तो तुम्हारी गलीज ट्रेनिंग का नतीजा है। ऐसा अगर मैं ट्रेनिंग दिया ना इसको, देख क्या बोलता, भोग क्या था बहु बोल के। मगर बाबा भाई आप जो डबल गेम खेल रहे ना, वैसे में जाली पाना हूँ, हर नट को लगता हूँ। इसलिए खाला मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम? वक्त के हालात ने मजबूर कर दिया मुर्गी चुराने पर, अरे वरना हम भी शेर के शिकारी है। क्या बात है? मगर भाई भाई है, मैं सही बोला ना भाई? दुरुस्त है। देखा इसको बोलते कुल्लम कुल्लम। वक्ती हमारी मिसाल वैसी है खाला, वो मेंढकों की जैसी, एक चढ़ा तो दूसरा टांग पकड़ के खींचता। न खुद चढ़ता ना दूसरों को चढ़ने देता। सही बोला तू। मिसाल तो अच्छी दी है बाबा भाई, फिर भी सबक कोई नहीं सीखे। भाई बच्चों से जूते खिलाया इनको, फिर भी नहीं सुधरे। देखो नहीं बोलना यार ऐसा, तुम्हारे से बड़े बुजुर्ग है ना इनो, तुम लोग आपस में मिलजुल के कहीं को नहीं रहते यार? वो मिलजुल के रहे तो क्या नहीं कर सकते भाई? ये हाथ को देखो, पांच उंगलियां जब मिल गए ना बन जाती है मुट्ठी। अगर इससे एक मारे ना क्या होता मालूम है? चलो सब हाथ पे हाथ रखो। शुक्र भाई नो डबल गेम खेल रहे भाई, तुम बोरे बोल के रखना तो नहीं रखता था मैं। इसी तरह तुम लोग मिलजुल कर रहना क्योंकि एकता में ही ताकत है। भाई भाई मैं एक शेर बोलते। हाँ, बोलो। मेरे डैडी बोलते थे अपने अपने मजहब में अपना कत गट जाएगा, अब देखते हैं अपना देश कैसे बट जाएगा। हिंदू मुस्लिम दोनों है एक कैची के दो पहलू, जो भी बीच में आएगा वो कट जाएगा। क्या बात है जिन्ना, जियो मेरे लाल। ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए, खट्टा मीठा दही ले लो, दही मुन्नी बाई का दही ले लो। तुझा माइला ठहर रे, अंधा हूँ कोई संदे को घर तक छोड़ कर आओ। अरे अरे गफूर तुझे क्या हुआ, कल तक तो तू ठीक था। कल तक तो मैं ठीक था, माँ ने कहा था बेटा किसी को आंख उठाकर मत देखना, जब से आंख उठाकर देखा तो हाथ भी मत उठाना। हो गया, जरा घर तक छोड़ देना था। चल ठीक है। अच्छा अरे 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 मुन्नी जरा टहरो, अरे खुशी का दिन हमारा जन्मदिन। अच्छा हेलो एक चॉकलेट तुम लो, ए गफूर एक चॉकलेट तुम भी लेना था ना इसमें से। बहुत गर्म दिख रही चॉकलेट, हाथ डाल रहे मुंह में डाल रहे, ठंडा हो गया कि बेटा चॉकलेट नहीं खाना नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे आग की तरह। चिन्ना ये क्या हो रहा मेरे भाई के साथ, नाइंसाफी हो रही। मेरा भाई आँख खो दिया और उसके साथ मजाक उड़ाया जा रहा। मुन्नी तुम भी गलत काम कर रही हो। कुछ नहीं करी रे बाबा। ए, मैं लेके जाते ना। आ गया है मुन्नी। चिन्ना जरा देख के जा बेटे, तू भी गिर जाएगा। आज सोच तुम्हारे सजा दूंगा ना, पूछो क्या सजा दूंगा। चला तू जो बोलेगा कर लेगी मैं। एक चीज दो, उस काम के लिए अभी हम जिंदा है, पेट ले निकल यहाँ से, चल निकल। चल अब एक झप्पी दे दे। झप्पी? बाबा भाई तुम भी क्या हो रहा है मुन्नी, ये सब पप्पी झप्पी? मैंने क्या किया? ये चारों लोग मेरी पप्पी लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते और एक तू है के? बोलना फ्री में दूं क्या तुझे पप्पी? गल्ले पड़ू। तू जबी भी यहाँ आती ना
बस्ती के बच्चों को बुड्ढों को भी खराब करी। तू जाए यहाँ से, चल धाई का कुंडा उठा, चल चल उठा, चलो उठा के जाओ यहाँ से। और सुन, आइंदा तू बस्ती में आई तो तमीज से रहना, समझी? दही ले लो, दही। सरदार भाई। अरे क्या इंस्पेक्टर साहब, सरदार भाई को अंदर डाल दिए। अरे क्या तो भी इंस्पेक्टर साहब, ये खामोश, ये कोई दीवान खाना नहीं है, पुलिस स्टेशन है। बोलो। मेरे को नवाब शाह साहब बोलते हैं, मैं सरदार की जमानत कराने आया हूँ। शाह साहब, केस फाइल हो चुका है, जो भी आपको कार्रवाई करना है अदालत से कीजिए। तुम्हारे चेहरे से रिश्वत खोरी की बुआरी इंस्पेक्टर, और हम देख रहे हैं। नवाब साहब, तुम्हारा पोजीशन का रिस्पेक्ट करके खामोश बैठा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग गरीबों पे जुल्म करने सिवा और क्या कर सकते? इंस्पेक्टर साहब, सरदार भाई को छोड़ने कितने पैसे होते बोलो, दे देंगे। वैसे आपकी सूरत देखे तो ये मालूम हो रहा आप कितने रिश्वत खाए। तुम साले कमजोर लोग, अपने औकात देख के बात करो, मेरे को खरीदते रहे, दफा हो जाओ। चलो शाह साहब, ये जुल्म के कारखाने से रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। नू पब्लिक सर्वेंट सर, नीति तप्पुतुन्नारु सर। ये अब्बा साले, ये लेरा कोटेस्ता, ये वरिकिरा ये लुबिसुनो, पुलिस स्टेशन इदी। अब मेरी एक बात सुन लो इंस्पेक्टर, तुम शंकर से मिलकर एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो, और मैं अदालत के जरिए तुम्हारे इस पिंजरे से सरदार को उड़ा के ले जाऊंगा। खामोशी से चले जाओ यहाँ से, अगर मेरा बेजा खराब हो गया ना तो पूरों को अंदर डाल के ऐसा टोकूंगा, ऐसा टोकूंगा। चलो निकलो यहाँ से। चलो मियाँ, चलो यहाँ से नवाब साहब, चलो। क्या बोला? चलो इंस्पेक्टर साहब, एक बार बात क्या बोला हो जाता था। तखला गरम हो गया यारो। यहाँ पर इड़के लो सर, रही लो। रे शिवा, सिगरेट इसके लापो। रे ये वर राले लोपर रानी चिनी। ए मुन्नी, तू मुन्नी, मैं चिन्ना, तेरे को देखे तो मेरा दिल में सीटी बजता, मुझसे शादी करेगा, कर लेना के। मोना, मेरा मतलब मुन्नी, प्लान के मुताबिक आज मेरे घर के दरवाजे में कोई नहीं है, मैं चाह रहा था कि तुम आकर मेरे भी कपड़े धो देना था ना। क्या तो भी हो रहा, वो कहीं को सता रहे उसको। मुन्नी जरा मेरी लुंगी तो धो के दे। ए, अपनी बीवी से जाकर दुला, चल जा। अरे मेरे पास जोरू है तो मैं तेरे पास कहीं को आता था। ये मुन्नी डार्लिंग, क्या कर रही तू, कपड़े धो रही क्या? नहीं, बिरयानी पका रही, आ खा। बिरयानी तो अब तेरे को खाना है, वो भी सरदार भाई की शादी की। बहुत डोरे डाल रहे थे ना उनके ऊपर, बहुत पटाने की कोशिश करे, खत्म। अब सपने क्या करो मालूम, ऐसा खस्ते हुए निकल जाते तुम्हारे, समझे? अरे लुट गया, लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया मुन्नी तेरे पे। चल ना मेरे साथ। अरे चल हट।